आधार में एड्रेस बदलना अब और भी आसान हो गया है। अब आप बिना डॉक्यूमेंट के भी अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए केवल आपको अपने हेड ऑफ फैमिली के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। डिटेल्स के साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, किस तरीके से आधार में एड्रेस अपडेट किया जा सकता है इस नए नियम से? या बाहर रहते हैं और उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है अपने लिए आधार बनवाते समय या फिर अपडेट करते समय किसी ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें कोई रेजिडेंशियल प्रूफ हो, इसके लिए उनको यही करना है कि myaadhar.gov.in जो वेबसाइट है उनकी, उससे जाना है, अपना एड्रेस चेंज करने का जो अप्रूवल है पूरी प्रोसेस करनी है। इसके अलावा अपने हेड ऑफ फैमिली का जो है आधार का नंबर उसमें डालना है। उससे जो है उस हेड ऑफ फैमिली को एक मैसेज जाएगा जो कि 30 दिनों के भीतर उस ओटीपी के साथ उसको वैलिडेट कर सकता है। अगर वो वैलिडेट करता है तो इसके बाद उस हेड ऑफ द फैमिली का जो एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस हो जाएगा, यानी कि आपको किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, बस अपने हेड ऑफ द फैमिली के आधार नंबर की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ तमाम ऐसी रिक्वायरमेंट जो इसके पहले कभी रही होंगी, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली ने कभी भी अगर अपडेट किया होगा आपको अपने साथ रिलेशनशिप में, यानी कि वो आप उसके पिता हैं, आप उसके माता हैं, बेटे हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, जो कुछ भी हैं, वो रिलेशनशिप में कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उसने अपने आधार के साथ लिंक किया है तो वो ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। ये प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया गया और ये उन लोगों के लिए बहुत राहत की बात है जिनके पास अपने नाम का कोई वैलिड रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं है और वो अपने आधार कार्ड में कोई बदलाव करना चाहते हैं। तो ये प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। ओटीपी के साथ साथ ये वैलिडेट हो जाएगा कि आपका हेड ऑफ फैमिली आपको अपना एड्रेस प्रूफ दे सकता है। साथ साथ इसमें एक और राहत की बात ये है कि आप अपने किसी रिश्तेदार के लिए भी हेड ऑफ द फैमिली की भूमिका निभा सकते हैं, बस शर्त यही है कि वो एड्रेस प्रूफ आपका अपना होना चाहिए। यानी कि मैं अगर चाहूं तो मैं अपने किसी रिश्तेदार के लिए हेड ऑफ द फैमिली हो सकता हूं, लेकिन उसके आधार पर जो एड्रेस वैलिडेट होगा वो मेरा ही एड्रेस होगा। इससे जो है हम दोनों के रिलेशनशिप का जो है एक प्रमाण हमको जमा करना होगा आधार में और इसके साथ साथ वो एड्रेस प्रूफ जो है चेंज हो जाएगा। जी,